का, जहां पर यहां पर कला संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत होगी। तो वहीं सैंड आर्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं स्टेज पर एक तरफ श्रीनगर का लाल चौक दिखाने की कोशिश की गई है जो तिरंगे में लिपटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम मंदिर को भी दिखाया गया है और उसके अलावा डिजिटल इंडिया और आदर्श ग्राम को भी इस स्टेज पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आज के वक्त में खासा उत्साहित दिख रहे हैं और तस्वीरों में भी यह देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी कंपाउंड में नमो चाय का आयोजन किया गया है, जो भी कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं, इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको नमो चाय दिया जा रहा है। और एक और तस्वीर आपको सामने दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर स्टेज पर तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं जिनका स्वागत इस कार्यालय में किया जा रहा है और उसके अलावा प्रदर्शनी भी एक लगाई गई है। तो आज के वक्त में बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच अभी बारिश शुरू हो गई है और हल्की हल्की बारिश पटना में हो रही है। ऐसे में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका आना लगातार जारी है और मौसम खुशनुमा हो गया है। ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक सरकारी बाल गृह में जाकर सेवा समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने यूपी में इस कार्यक्रम को शुरू किया। वहां मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को तोहफे दिए और मिठाइयां बांटी, बच्चों को स्कूल बैग भी दिए गए। और ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मोदी जी ने देश को विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ दिव्यांगजनों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव भी है और सहानुभूति भी है। क्या करिए, दिव्यांग तो अलग अलग तरीके से देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और खास तौर पर जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग तरीके का जोश आज देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। यतेंद्र दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त खड़े हैं। यतेंद्र, क्या तैयारी वहां